good morning student welcome to the biology class in this video we are going to study about that the plant tissue okay you know tissue means what tissue means the group of similar cell which perform the particular function and have a particular structure this is called as a tissue okay got it student in the last video, I explained about that the plant tissue. There are two types of the plant tissue: permanent tissue and meristematic tissue. Meristematic tissue already we have studied in my previous video, and in this video we are going to study about that the permanent tissue. Let us start the video, student. Permanent tissue. See, meristematic tissue, the tissue which is divide. ड्यू टू दिस मेरिस्टोमैटिक टिशू प्लांट कैन ग्रो ओके मिस बेटा मेरिस्टोमैटिक टिशू ऐसे टिशू होते जो बार बार डिवाइड होते इसीलिए प्लांट की क्या होती है प्लांट की ग्रोथ होती है ओके गोट इट मेरिस्टमैटिक देयर आर ऑल्सो थ्री टाइप्स ऑलरेडी आई टॉर्ड द थ्री टाइप्स इन माई प्रीवियस वीडियो गोट इट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिशू

प्लांट जब छोटा होता है बाद में बड़ा बड़ा होते जाता है वो बड़ा कैसे होता है क्योंकि मेरिस्टमैटिक टिश्यू की वजह से जैसे ही प्लांट बड़ा होता है जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है दे टेक द परमानेंट शेप साइज दीज मैच्योर टिश्यू ऑफ द दिस मैच्योर मरिस्टमैटिक टिश्यू इज कॉल्ड एज द परमानेंट टिश्यू इज दैट क्लियर वॉट इज मीन बाई परमानेंट इशू परमानेंट इशू मीन्स दे हैव लॉस देअर सेल डिविजन एबिलिटी सेल डिविजन क्या होता है बेटा वो आपको हाइयर क्लासेस में स्टडी करना है ओके आई विटिल बिट एक्सप्लेन मीन्स एक सेल होती है इट इज डिवाइड इंटू द टू सेल दिस इज कॉल्ड एज द सेल डिविजन ये सेल डिविजन होती है इसीलिए हमारी ग्रोथ होती है अगर सेल डिविजन नहीं होती तो हमारी ग्रोथ ही नहीं होती गोट इट

उन्होंने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर परफॉर्म किया है उनका पर्टिकुलर शेप एंड साइज है एंड दे परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज द परमानेंट टिश्यू गॉट इट स्टूडेंट दिस टिश्यू मे बी लिविंग और डेड यू नो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन द लोअर क्लासेज यू एर स्टडी अबाउट दैट वॉट इज द कैरेस्टरस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की ग्रोथ हो सकती है लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस हो सकते है ओके मीन्स ऑल लिविंग थिंग मेड फ्रॉम सेल बंच ऑफ सेल इज कॉल्ड एस टिश्यू इन द ऑर्गन सिस्टम आई एक्सप्लेन अबाउट दैट हाउ डू वी फॉर्म वी फॉर्म अ स्मॉल सिंगल सेल वॉट इट मीन्स द टिश्यू जो परमानेंट टिश्यू होते हैं बेटा वो लिविंग होते है अदरवाइज डेड भी हो सकते हैं इन द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आई एक्सप्लेन अबाउट दैट लिविंग टिश्यू लिविंग सेल एंड डेड सेल अंडरस्टूड स्टूडेंट वॉट इज मीन बाई परमानेंट टिश्यू देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू लेट इसी द ट्री डाइग्राम ऑफ द Permanent tissue. See, beta. Permanent tissue have a two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue also have a three sub type: parenchyma, colenchyma, and sclerenchyma. One by one, we have to study in details about each type of the simple permanent tissue. See, what is mean by simple permanent tissue? सिंपल परमानेंट टिश्यू, ऐसे टिश्यू, द टिश्यू विच इज मेड फ्रॉम वन टाइप्स ऑफ द सेल गॉट इट मीन्स बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो एक ही टाइप के सेल से बने होते मीन्स ऑल द सेल्स हैव अ सेम स्ट्रक्चर एंड ऑल द सेल्स हैव परफॉर्म द सेम फंक्शन दिस टाइप ऑफ द टिशू इज कॉल्ड एज द सिंपल परमानेंट टिश्यू गॉट इट

बट इन द कॉम्प्लेक्स परमानंट टिशू देअर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग गॉट इट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू क्या होता है सिंपल परमानेंट टिशू में सारे सेल एक ही टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर सेम होता है फंक्शन भी सेम होता है फंक्शन मीन्स ऑल द सेल्स जो भी वर्क करते हैं वो सेम वर्क परफॉर्म करते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मोर देन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल मीन्स एक ही टाइप के सेल नहीं होते डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में होते हैं और हर एक डिफरेंट टाइप्स के सेल डिफरेंट वर्क परफॉर्म करता है आया समझ में वॉट इज मीन बाय द सिंपल परमानेंट इशू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू टुडे इन दिस वीडियो वी आर स्टडी अबाउट ओनली सिंपल परमानेंट इशू देयर आर थ्री सब टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिशू पहले आपको परमानेंट इशू समझ में आ गया मीन्स दे हैव परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन दे पर्क पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सिंपल मीन्स सारे सेल एक ही टाइप्स के होते हैं लेटस सी द फर्स्ट टाइप ऑफ द सिंपल परम टिश्यू इज अ पेरेन कामा सी स्टूडेंट पैरन कामा पेरेन का वन काइंड ऑफ द सिंपल परम टिश्यू दैरें थीन सेल बॉल मेडअप ऑफ सेल्यूल मीन्स सी देर इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेरेन कामा सी मींस दायमा द सेलबॉल मीन्स सेल वॉल मीन्स बेटा देखो ये सेल है got it the outer covering of this cell is called as the cell wall the plant have a cell wall the animal does not have a cell wall it have only cell membrane in the higher classes you will have to study about that what is the cell wall and what is the cell membrane in that class you have to study only cell wall plant tissue ko jo cell wall the cell wall means what it is the outer covering or jo parenchyma tissue hai

आइसोमेट्रिक मीन्स ऑल द सेल ऑफ द पैरेंट कायमा टिश्यू हैव अ इक्वल डायमीटर इन द मैथ यू हैव स्टडी अबाउट दैट व्हाट इज मीन बाय रेडियस व्हाट इज मीन बाय डायमीटर ओके मीन्स जो सेल होते हैं हर एक सेल की डायमीटर कैसे होती है इक्वल इक्वल डायमीटर इफ इट इज लाइक दैट देन इक्वल डायमीटर इक्वल डायमीटर ऑफ द सेल दीज इक्वल डायमीटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द आइसोमैट्रिक गॉट इट ऑल द सेल Or parenchyma tissue is a living cell, it is not dead cell, it is a living cell laying in between the specialized tissue. Yes, tissue a special tissue. It is a living tissue. And main function of parenchyma to store the food. It contains the intercellular space. मोस्ट ऐबोडेंट टिशू पैरेंकामा इज अ मोस्ट एबोडेंट टिशू मोस्ट एबोडेंट टिश्यू मीन्स व्हाट स्टूडेंट द टिशू इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी मीन्स जो पेरेंकाइमा टिशू है प्लांट में ज़्यादा प्रेजेंट होते मीन्स द स्टे दिस पेरेंकाइमा टिशू इज प्रेजेंट इन द स्टेम रूट फ्लावर फ्रूट्स ओके मीन्स जो जो नॉन वूडी पार्ट्स है यू नो वूड हार्ड बार्क देयर इज नो पेरेंकामा देयर इज अन्स जहाँ पे सॉफ्ट पार्ट है प्लांट का वहाँ पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं पैरन कायमा गॉट इट स्टूडेंट द शेप ऑफ द पेरनकाइमा इज ओवल ओहल स्पेरिकल पॉलीगोनल पैरन कायमा जो टिश्यू होते हैं उनका शेप ओहल होता है स्पेरिकल होता है और पॉलीगोनल होता है ठीक है समझ में आ गया बेटा मैंने क्या क्या बताया आपको द पैरन कायमा हैव अ थीन सेल वॉल थीन सेल वॉल पेरेनकामा इज अ लिविंग सेल पेरेनकामा क्या है लिविंग सेल है थीन वॉल गॉट इट इट इज अ आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक मीन्स इक्वल डायमीटर नेक्स्ट इट इज द एबडन टिश्यू एबडन टिश्यू मीन्स द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज प्रेजेंट द पेरेमा टिश्यू जो भी इट इज़ अ नॉन उडी मीन्स जो हार्ड स्टेप है बेटा वहां पे पैरन कैमा प्रेजेंट नहीं होते बट जो सॉफ्ट पार्ट है प्लांट का वहां पे पैरन कैमा टिश्यू प्रेजेंट होते इट इज मोस्ट मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेजेंट द पेर कैमा टिश्यू गॉट इट द शेप ऑफ द पेरन कैमा इज सिलिंड्रिकल सॉरी ओहल स्पेरिकल एंड पॉलीगोनल इन शेप सी द स्ट्रक्चर दिस इज द सेल it have a large vacuoles it contain large vacuoles vacuoles means space vacuoles means what space and large vacuoles contain the cell sap dekho beta plant is also living thing plant is also required water minerals in the plant cell have a large vacuole and the plant are store the waters and minerals in that vacuole it is called as the cell sap means the central vacuoles are present in the parenchyma cytoplasm cytoplasm means beta liquid material it is the liquid things it is the fluids which is present in the cell it is called as the cytoplasm and centrally place the nucleus got it it is the structure of parenchyma kya kya bataya beta parenchyma ke bare mein? parenchyma have a थीन सेल वॉल इट इज मेड फ्रॉम सेल्यूलोस आइसोमेट्रिक मीन्स जो सेल होती है उसकी इक्वल डायमी है द लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेल द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट साइटोप्लाजम्स आर प्रेजेंट इन द सेल अंडरस्टूड स्टूडेंट वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंट कैमा द इंटर सेलर स्पेस आर प्रेजेंट मींसिंग टिश्यू मीस वॉट बंच ऑफ द सेल there are so many tissue so many cells in between the cell have a space in between the cell have a space this is called as the intercellular space intercellular space and the parenchyma cells have a intercellular space got it it is a thin wall and have the intercellular space in between the cell understood student what is mean by the parenchyma Parenchyma is the one kind of the living cell. These are abundant cell which is present in all parts of the plant except woody part of the plant. The shape of the parenchyma is a oval, spherical, polygonal. In this in the structure of parenchyma, it, it have an intercellular space in between the two cell. It contain the large vacuoles, centrally placed the nucleus and cytoplasm is the fluid which is present in the parenchyma tissue got it student what is the structure of the parenchyma let us see what is the main function of parenchyma parenchyma is a living cell the main function to store the food miss you know that plant is autotrophic miss plant khud ka khana khud hai by the process of photosynthesis and this food is stored in the plant itself जो पेरे टिश्यू है दे कैन स्टोर द फूड विच इज मेड बाय द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पेरेनकामा इज ऑल्सो स्टोर द बेस्ट प्रोडक्ट लाइक द टेनिन गम्स क्रिस्टल गॉट इट मेन फंक्शन ऑफ पेरेंटकामा पेरेंकामा कैन स्टोर द फूड मटेरियल अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पेरेंट कायमा द पेरेंट कायमा टिश्यू द पेरेंट कायमा सेल इज प्रेजेंट द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट इज वन काइंड ऑफ द ऑर्गेनलीज विद देल्प ऑफ दिस ऑर्गेनली प्लांट कैन मेक द फूड सी स्टूडेंट इन द हाइयर क्लासेज यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट द टाइप्स ऑफ पेरेंट कायमा पेरेंट्स कायमा के भी सब टाइप्स होते हैं बट नाउ यू डोंट स्टडी अबाउट दैट but in the higher classes you have to study about that the types of parenchyma This parenchyma tissue may chloroplast hote this parenchyma tissue is called as the chlorenchyma chlorenchyma understood what is mean by chlorenchyma some parenchyma tissue is present the chloroplast chloroplast is help the plant to process of photosynthesis this parenchyma is called as the Chlorine Chyma, Chlorine Chyma. Got it? Some parenchyma tissue have a air space. See, you know some aquatic plant. They are not sink in the water. They are floating over the water. How does it float? Because some parenchyma tissue have a air space, air space and filled with the air. Due to this air, the plant can float over the water the plant cannot sink in the water this type of the parenchyma tissue is called as the aerenchyma aerenchyma got it student in that video i taught you only parenchyma in next video i will explaining about that the what is mean by chlorenchyma and Sclerenchyma. Got it student. Let us revise what we have studied in that video. We have to study about that the permanent tissue. There are uh, two types of the permanent tissue: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue also have a uh, two types. Three types, sorry, three types: parenchyma, cholenchyma, and sclerenchyma. Today we have studied only parenchyma. In the next video, we are going to we will go into to study about that the choline chyma and scleren chyma. Understood, student? Thank you.